हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया दोस्तों, और आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये CGL टायर वन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ईमानदारी से देख लो, दो मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके चेहरे पर स्माइल, गौरव तिलथिया का वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दोस्तों आया था, जिसमें कलर चेंज करता हूं हल्का थोड़ा धमाकेदार वाला, ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन था। लेकिन एकदम से दोस्तों, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री पे मास्टरी नहीं होती वो घबरा जाते हैं। पहली बार मैं भी घबरा गया, मैंने कहा भाई साहब क्या होगा, लेकिन बाद में मैंने दिमाग लगाया कि अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे दोस्तों, कुछ नहीं करना, अगर ऐसा खतरनाक क्वेश्चन दिख गया ना, तो पहले आप वो करो जो आपको आता है। भाई साहब जैसे मुझे टेन दिखा, साइन दिखा, मैंने कहा साइन को मैं उल्टा कॉस में चेंज कर कॉसेक में कर सकता हूँ, लेकिन टेन को मैं साइन और साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने बचपन से पढ़ा है, टेंथ क्लास से पढ़ा है। तो टेन थीटा देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि सबसे पहले मैं उसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा में लिख दूं। तो भैया मैंने वही किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वैसे एक वैसा लिखा रहने दिया, नीचे वही कर दिया अपॉन में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन की जगह लिख दिया, प्लस साइन थीटा ये वैसा का वैसा लिख दिया। आगे बढ़े तो क्या हुआ दोस्तों, अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लग गया मेरा कि भाई साहब मुझे दो जगह साइन दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्यों ना इस साइन ए को अपन कॉमन ले लो। तो मैंने दोस्तों यही किया, इस साइन ए को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, ये साइन कॉमन चला गया तो क्या हुआ, वन अपॉन कॉस से बचा, तो देखो वन अपॉन कॉस से ये बचा, माइनस साइन ए कॉमन है तो माइनस वन, साइन ए की जगह वन हो गया। तो इतना तो आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन लेना आता होगा, ठीक है। इतना किया, सिमिलरली अपन नीचे भी यही किया, साइन ए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए था तो प्लस वन हो गया, क्योंकि साइन ए बाहर निकल गया, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन ध्यान रखो, बस कुछ नहीं है, साइन से साइन को तलवार मार दो, कट लगा दो बढ़िया से और सॉल्व कर दो इसको। वन अपॉन कॉस ए क्या होता है दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, सेक ए होता है। तो बस इतना ही खेल था, वन अपॉन कॉस ए माइनस वन, तो सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन, ये आपका बढ़िया सा आंसर था। बस इतना सरल सा क्वेश्चन था भाई, लेकिन डरने की बात नहीं है। आपकी हेल्प करने के लिए मैं कल एक और वीडियो बनाऊं, जिसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बता दूंगा, सारे धमाकेदार फॉर्मूला बता दूंगा भाई साहब, कॉस टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा क्या होता है, सब बता दूंगा धमाकेदार तरीके से, दिल खुश हो जाएगा गारंटी। इसलिए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, कल वही वाला बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा मैं, है ना। चलो दोस्तों थैंक यू सो मच। और चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दिख रहा है नीचे, मैंने नोट्स बनाए हुए थे तो आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता देता हूँ। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, ये पहली बार मुझसे बना ही नहीं था, ये इसलिए नहीं बना क्योंकि क्या हुआ, मैं इधर देख रहा हूँ कि मुझे पहली बार तो क्या है, एकदम से 23 का पहाड़ा ही नहीं आता। पहली बार 138 कहाँ से लाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आया कि 23 छक्का 138 होता है, 23 × 6 करेंगे तो 138 आएगा। तो ये मेरी दिक्कत थी, इस चक्कर में मुझसे ये बना नहीं। बाद में फिर मैंने दूसरा देख भी नहीं पाया कि 38 में बस 5 का डिफरेंस है। एकदम से दिमाग में नहीं चलता, कई बार नहीं घुसता दिमाग में, सच बता रहा हूँ मैं। तो इसका पैटर्न समझ लो भाई, हमेशा आ सकता है। ये टायर टू का क्वेश्चन है, टायर टू की सीरीज है दोस्तों, SSC CGL की, सारे क्वेश्चन SSC के करवाता हूँ मैं इसमें दोस्तों। पहली लाइन अगर आपको समझ में नहीं आया कि 23 मैं क्या करता, सबसे पहले डिफरेंस लेता हूँ, लेकिन मैंने देखा भाई साहब यहाँ 138 और यहाँ 23 है, इतना बड़ा डिफरेंस कौन लेता है, तो मैंने नहीं लिया इसका, तो मैं कंफ्यूज हो गया। फिर आगे देखो, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आगे कुछ हो सकता है, 138 और 143 में कितना डिफरेंस है, 8, 5, 13, तो प्लस 5 का डिफरेंस है। तो दोस्तों प्लस 5 का डिफरेंस आपने लिख लिया। आगे और यह क्या करोगे आप, फिर वही 143 इंटू क्या करोगे, तो भैया यही तो निकालना अपने को, बहुत कन्फ्यूजिंग था ये। तो इसका पैटर्न आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई साहब अगर आप देखो, अगर पहला देखो, पहला समझ में नहीं आ रहा था, दूसरा देखो, अगर दूसरा कुछ ऐसा छोटा सा डिफरेंस आ गया, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 आ गया, तो समझ जाओ कुछ मल्टीप्लिकेशन और प्लस का खेल चल रहा है। तो यहाँ दोस्तों यही पैटर्न है कि पहला होगा इंटू 6, बाद में होगा 5 और सीरीज कम होती जाएगी, इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 वही चलेगा। तो इसका पैटर्न यही है दोस्तों, 23 × 6 करेंगे तो 138 आएगा, और 138 में 5 जोड़ देंगे तो 143 आएगा, 143 × 4 कर देंगे तो भाई साहब 572 रह जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो पैटर्न दोस्तों ये है, कभी भी ऐसा हो सकता है, सीरीज आएगी इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ऐसी आ सकती, ऐसी भी आ सकती, इंटू 7 प्लस 6, बस कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली प्रायोरिटी है कि पहला वाला चेक करना है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा ज़रूर चेक करना है, और दूसरा भी समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट का भी चेक करो, लास्ट से भी कई बार हेल्प मिलती है। तो थोड़ा सा इसमें एटलीस्ट इसमें 30 सेकंड दिया करो, अगर सीरीज 30 सेकंड के बाद भी नहीं बन रही तो पाँव पड़ के गंगे मैया का नाम लेकर छोड़ दो, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करो, कई बार फटाक से क्लिक हो जाता है, कुछ नहीं होता, स्क्वायर क्यूब का खेल होता है, डिफरेंस का क्यूब होता है, प्राइम नंबर का क्यूब होता है, प्राइम नंबर होता है, और कुछ नहीं होता, और कुछ होता ही नहीं, उसका है ही क्या उस गरीब के पास, बेचारे एग्जामिनर के पास, डिफरेंस देगा, खतरनाक देगा, क्यूब दे देगा, स्क्वायर दे देगा,
जाएगा, क्या ही करेगा वो, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार दिखा दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ बढ़िया सा ऐसा चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं अपनी मर्जी से कुछ कुछ बढ़िया चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। प्ले जरूर चेक करिएगा, मैंने और काफ़ी वीडियो बनाए, 5-10 बना चुका हूँ बढ़िया बढ़िया, आई गारंटी यू आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ज़रूर जाकर देखिएगा। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थैंक यू।